नमस्कार बागवान भाइयों, मेरे YouTube चैनल हिमालयन एप्पल्स में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए मिस्टर प्रेम चौहान द्वारा विकसित की गई समर प्रूनिंग की विधि के बारे में एक छोटी सी वीडियो लेकर आया हूं। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बागवान भाइयों, प्रेम चौहान जी जो कि हमारे हिमाचल प्रदेश के मेहनती एवं प्रगतिशील बागवान हैं, जिन्होंने अपनी मेहनत से रॉयल डिलीशियस की म्यूटेशन द्वारा सेब की एक नई प्रजाति एप्स एप्पल की खोज करके हमारे हिमाचल प्रदेश का नाम बागवानी के क्षेत्र में पूरे विश्व में ऊंचा कर दिया है। बागवान भाइयों, आज हम उनके द्वारा प्रयोग में लाई जा रही समर प्रूनिंग की विधि के बारे में बात करेंगे। बागवान भाइयों, इस विधि में सीडलिंग प्लांट को अल्ट्रा हाई डेंसिटी पे लगाया जाता है, जिसमें कि प्लांट टू प्लांट ढाई फीट और रो टू रो लगभग 4 से 5 फीट डिस्टेंस रखी जाती है। इस तरह की प्लांटेशन में समर प्रूनिंग की अहम भूमिका रहती है। बागवान भाइयों, जैसा कि आप लोग वीडियो में देख सकते हैं, इस तरह की प्रूनिंग में जो मेन लीडर है उस पर लगभग 9 इंच तक की ब्रांचेस रखी जाती है और उसी में बड फॉर्मेशन किया जाता है, बीमा तैयार किया जाता है और उसी में ही हम फ्रूट लेते हैं। बागवान भाइयों, इस तरह की प्रूनिंग करते समय हम मेन लीडर से जो ब्रांच निकलती है उसे समर में लगभग 4-5 इंच पर से काट देते हैं और उसमें फिर पीछे की ओर बड फॉर्मेशन होता है। जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं, इस ब्रांच में किस तरह का बड फॉर्मेशन हुआ है। हर ब्रांच पर काफ़ी अच्छे बड्स तैयार हो रहे हैं। टहनी को इस तरह से काटने से इसमें यहाँ पर पीछे की ओर बड फॉर्मेशन शुरू हो जाएगा। इसे हम यहाँ रिंग बर से काट देंगे, जिससे कि इसमें वेजिटेटिव ग्रोथ रुक जाएगी और पीछे की ओर बड फॉर्मेशन शुरू हो जाएगा। इसमें जितनी भी स्लिपिंग आइज है उसमें बड फॉर्मेशन शुरू हो जाएगा। बागवान भाइयों, आप देख सकते हैं इसमें जो प्रूनिंग हुई है उससे किस तरह की बड फॉर्मेशन जो है प्लांट में हो रही है। इसमें जितनी भी वेजिटेटिव ग्रोथ है उसे हम हटा देंगे। बागवान भाइयों, अगर आप सेटलिंग पर अल्ट्रा हाई डेंसिटी प्लांटेशन कर रहे हैं तो इस बात का विशेष ध्यान रखें कि इसमें आपको प्लांट की ग्रोथ को कंट्रोल करना बहुत आवश्यक है।